Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will be understanding the concept of derivatives of functions in parametric form. I won't say कि ये थोड़ा अलग कंसेप्ट है, but yes, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है because हमारे जनरली जो बोर्ड के क्वेश्चन आते हैं वो सारे ऑलमोस्ट फंक्शन जो होते हैं वो पैरामेट्रिक फॉर्म में ही होते हैं. जो भी हमने डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट लास्ट वीडियोज में पढ़ा है, सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा, बस एक न्यू स्पेशल फंक्शन एडिशन है इसमें जो पैरामेट्रिक फॉर्म में होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अभी हमने जो लास्ट लेक्चर्स में फंक्शंस पढ़े हैं तो यू वुड बी वेरी वेल अवेयर कि हमने दो टाइप के फंक्शंस पढ़े हैं. हमने अभी तक दो फंक्शंस पढ़े हैं. एक हमने पढ़ा था एक्सप्लिसिट फंक्शंस एक हमने पढ़े थे इम्प्लिसिट फंक्शन. इसमें कुछ चेंजेस नहीं है तो एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन आपको पता ही होगा कि क्या क्या है. जब हमने एक्सप्लिसिट फंक्शन पढ़े थे तब आपको पता था कि एक्सप्लिसिट फंक्शंस वो फंक्शंस हैं जो हमारे एक्सप्रेशंस जो हमें फंक्शंस गिवन होते हैं जिनका हमें डेरिवेटिव निकालना होता है वो यूजली इन द फॉर्म ऑफ वाई होते हैं. मतलब y हमारा एक साइड होता है और x के एक्सप्रेशन x वेरिएबल के जो सारे एक्सप्रेशन होते हैं वो दूसरी साइड होते हैं. जैसे कि एक्सप्लिसिट फंक्शंस के हमने कुछ एग्जांपल कर जो हमने किए थे, जैसे हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री, ये हमारा एक एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया. एक एग्जांपल हो गया हमारा y इज इक्वल टू साइन एक्स वाला. एक एग्जांपल हो गया हमारा y इज इक्वल टू e की पावर टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये एक एग्जांपल हो गया. तो ये सारे हमारे एक्सप्लिसिट फंक्शंस होते हैं. इम्प्लिसिट फंक्शन हमने पढ़ा था. इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या था हमारा कि जब हमारा x और y जो है वो उनका रिलेशन साथ में तो होता ही होता है जैसे हमारे एक्सप्लिसिट में था. इसमें इम्प्लिसिट में ये होता है कि वो हमारा इन द फॉर्म ऑफ y हम उसको नहीं निकाल सकते कि y को हम एक साइड रख ले और x को दूसरी साइड रख ले. नहीं, ऐसा नहीं है. x और y वेरिएबल्स दोनों बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे और उन्हीं से हमारा एक एक्सप्रेशन बना था. जैसे कि हमारा एग्जाम्पल हो गया एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स वाई, एक ये एग्जाम्पल हो गया. एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव एक्स वाई माइनस टू साइन एक्स, ये कुछ एग्जाम्पल. ये हमारे इम्प्लिसिट फंक्शंस के एग्जाम्पल है. इसमें आप देख सकते हो इन दोनों में ना एक डिपेंड कुछ सिमिलैरिटी है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन में कि एक्स एंड वाई जो दोनों है वो हमारे एक ही इक्वेशन में हमें दिख रहे हैं. एक ही इक्वेशन में एक्स एंड वाई हमारे वेरिएबल्स है, लेकिन पैरामेट्रिक फॉर्म जो होती है हमारी जर्नली. अब हम नया कंसेप्ट पढ़ने लगे हैं कि जो हमारे पैरामेट्रिक फॉर्म होती है इसमें जो हमारा एक्स एंड वाई होता है वो हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता. वो हमें एक दूसरा पैरामीटर गिवन होता है. एक पैरामीटर इन द सेंस यू कैन से हमारे पास दो एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं, ठीक है. एक्स और वाई हमारा जो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस में था वो हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड है एक ही एक्सप्रेशन या एक ही फंक्शन में, लेकिन पैरामेट्रिक फॉर्म में ऐसा नहीं होता. हमें ना पैरामेट्रिक फॉर्म में एक नया पैरामीटर गिवन होता है, पैरामीटर और यू कैन से अ न्यू वेरिएबल गिवन होता है जिसमें हमारा एक्स और वाई डिपेंडेंट होता है, ठीक है, कनेक्टेड होता है जिसके थ्रू हमारा एक्स और वाई. मतलब हमारे पैरामेट्रिक में एक्स और वाई साथ में खुद डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वो एक पैरामीटर यानी कि एक न्यू वेरिएबल के थ्रू कनेक्टेड है. जैसे कि एग्जांपल में आप देखो हमें गिवन है कि एक्स की वैल्यू है 70 लेट्स से और वाई की वैल्यू है हमारी 50. ये एक एग्जाम्पल है हमारा. इसमें एक्स की वैल्यू कुछ और है, वाई की वैल्यू कुछ और है, और इसमें टी जो है वो हमारा न्यू पैरामीटर है. टी हमारा पैरामीटर है और एक्स और वाई जो है हमारा उस पैरामीटर से के थ्रू कनेक्टेड है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है. और अगर हम एक और एग्जांपल लें जैसे एक्स की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा और वाई की वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें हमारा थीटा जो होगा वो हमारा नया पैरामीटर होगा जिसके थ्रू हमारा एक्स और वाई कनेक्टेड है, डायरेक्टली नहीं, उस पैरामीटर के थ्रू. सो अब आपको आई होप पैरामेट्रिक फॉर्म तो क्लियर हो गई होगी थोड़ी बहुत कि क्या होती है. अब हम समझते हैं कि हम पैरामेट्रिक फॉर्म के डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं. मैं कुछ एग्जांपल्स लेती हूं.
मैं कुछ एग्जांपल्स लेती हूँ जिसके थ्रू हम समझते हैं कि हम कैसे पैरामेट्रिक फॉर्म के डेरिवेटिव्स निकालते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, हमें गिवन है, हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, जिसमें हमारी एक्स की वैल्यू है लेट्स से 70 स्क्वायर और वाई की वैल्यू है 90 क्यूब। ठीक है, इसमें हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। आप इसमें देख सकते हो एक्स हमारा डिपेंडेंट ऑन वेरिएबल टी और वाई भी डिपेंडेंट ऑन वेरिएबल टी, तो इसमें टी हमारा पैरामीटर है और ये हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म है। इसमें हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। अब देखो एक्स और वाई डायरेक्टली डिपेंडेंट तो नहीं है, कनेक्टेड नहीं है जैसे हम इसमें निकालते थे, बट कुछ चेंज नहीं है, हमें डेरिवेटिव निकालना ही है। बट इसमें हमें क्या करना है, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, डी वाई डी एक्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हम dy का डिफ्रेंसिएशन उस पैरामीटर के बेस पे करें दोनों का, x और y जो हमें गिवन है, और उनको डिवाइड कर दे। तो अब अगर आप जर्नली देखोगे तो dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी जब हम करेंगे वो dy बाई डी एक्स निकलेगा। तो इसी से आप समझ सकते हो कि जो हमारा पैरामीटर है उस पैरामीटर के बेसिस पे हमें x और y का डिफ्रेंसिएशन करना है और उसके बाद हमें उसे जर्नली बस डिवाइड करना है ताकि हमें dy बाई डी एक्स मिल जाए। ठीक है, अब देखो, अब हमें x इज इक्वल टू 70 स्क्वायर गिवन है, y इज इक्वल टू 90 क्यूब गिवन है। तो आपको बोर्ड में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट पहले y dy by dt निकालते हैं। हमें गिवन है y की वैल्यू है 90 क्यूब, तो लिख दो बस डिफ्रेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, अब कर दो तो आपका dy by dt क्या आया, dy by dt आया आपका 9 dy/dt क्या आया आपका, y है 90 क्यूब, तो कर दो 9 3 27 t स्क्वायर, ये आपका dy by dt आया, इसको 1 लेट कर लो। सिमिलरली अब आप x निकालो, x है आपका 70 स्क्वायर, तो लिख दो डिफ्रेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू t, तो dt by dx क्या आया आपका, dt by dx आया आपका 14 t, इसको 2 लेट कर लो। ये जो हमने निकाला था इसको a ले लो। अब कुछ नहीं करना, लिख दो पुट 1 and 2 इन a। तो आप देख लो dy by dx क्या आया आपका, dy by dx आया dy by dt अपॉन dx by dt, dy by dt आपका 2070 स्क्वायर और आपका dt by dx है 14 t, तो आप t से t कैंसिल कर सकते हो गया कैंसिल। अब लिख दो सीधा 2070 by 14, ये हमारा और नहीं हो सकता, तो अब आपका dy by dx आ गया 2070 by 14। देखो कितना इजी है, कुछ चेंज नहीं है, बस हमें उस पैरामेट्रिक फॉर्म के थ्रू डिफ्रेंशिएट करना है। हमेशा हम क्या करते थे पहले कंसेप्ट में, हम हमेशा पहले x के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करते थे, इस बार हमें x के टर्म में नहीं करना, हमें उस पैरामीटर फॉर्म जो पैरामेट्रिक हमें गिवन होगा या दूसरा वेरिएबल उस वेरिएबल के फॉर्म में हमें डिफ्रेंशिएट करना है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, हमें फाइंड करना है dy by dx इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin थीटा। ठीक है, अब करते हैं, हमें गिवन है y इज इक्वल टू a sin थीटा, पहला कर रहे हैं, तो लिख दो डिफ्रेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इस बार थीटा हमारा पैरामीटर है, तो dy by d थीटा क्या आया आपका, dy by d थीटा आया आपका a cos थीटा, अब इसको 1 ले लो, क्योंकि देखो आप इसमें आपको समझ आ रहा है थीटा जो है हमारा वो हमारा पैरामीटर है, यस, और a जो है वो हमारा एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन नहीं करेंगे, उसको एज इट इज लिख देंगे यहां पे और cos थीटा। अब सेकेंड है हमारा x है हमारा a cos थीटा, सिमिलरली डिफ्रेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx by d थीटा आया आपका कॉन्स्टेंट एज इट इज, और cos थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा, तो लिख दो माइनस a साइन थीटा, 2 लेट। अब आपको क्या निकालना है, dy by dx, तो dy by dx क्या आया आपका, dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा, तो लिख दो a cos थीटा अपॉन माइनस a साइन थीटा, a से a कैंसिल, cos थीटा by साइन थीटा आपको बताइए cot थीटा होता है, तो माइनस cot थीटा आपका आंसर आ गया। सो ये बहुत इजी था, आपको समझ भी आ गया होगा देख के। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो प्योरली हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म पे डिपेंडेंट है
वो एक्सरसाइज हम नेक्स्ट करेंगे. 5.6 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. एंड इन केस आपको इस पैरामेट्रिक फॉर्म टॉपिक में कुछ भी डाउट है तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू. प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल इन केस यू हैवन्ट डन इट येट एंड लाइक द वीडियो. थैंक यू.